हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल द ओरिगानो की तरफ से आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जन्माष्टमी स्पेशल कृष्ण जी का एक पसंदीदा मिठाई का रेसिपी लेके आई हूँ। मेरा आज का रेसिपी है छेना मालपुआ या पनीर का मालपुआ। चलिए देख लेते हैं छेना मालपुआ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। छेना, चीनी, मैदा, सूजी, दूध, छोटी इलायची, नींबू, घी और रिफाइन ऑयल। मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध का छेना ले लिया। यहाँ पे लगभग 250 ग्राम छेना है। घर पे बना हुआ छेना से कोई भी मिठाई अच्छा बनता है। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर और 1/2 कप पानी मिला के दूध को फाड़ के छेना बनाया। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया। अभी इसमें 1 कप छेना, 1/4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 पीस छोटी इलायची ले लिया और यहाँ पे मैं दूसरा एक बोल में 1/4 कप सूजी और 1/4 कप दूध डाल के इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट रख देंगे और इसमें 3/4 कप दूध डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाना हो गया। अभी एक बर्तन में ये पेस्ट को शिफ्ट कर लेंगे। फिर ये भीगा हुआ सूजी भी इसमें डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध यूज किया। यहाँ पे ठंडी दूध या गर्म दूध यूज नहीं कर सकते। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक मैंने यहाँ पे एक चाशनी बनाऊंगी। चाशनी के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1 कप पानी। अभी इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमें इससे कोई 1 तार या 2 तार का चाशनी नहीं चाहिए। अभी इसमें 2 कुटी हुई छोटी इलायची डाल दूंगी। चीनी मेल्ट हो गया। अभी इसको 2 मिनट बॉईल कर लेंगे। चिपचिपा हो गया, मतलब चाशनी रेडी हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। नींबू का रस डालने से चाशनी जमेगा नहीं। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल ले लिया। अभी इसमें 2 टेबलस्पून घी डालना है। तेल और घी को मीडियम गरम कर लेंगे। यहाँ पे मालपुआ का बैटर भी सेट हो गया। ज्यादा गरम तेल में ये बैटर डालने से मालपुआ गोल बनेगा नहीं। अभी तेल में थोड़ा सा बैटर डाल दूंगी। एक साइड थोड़ा ब्राउन होने का बाद फिर दूसरा साइड फ्राई करना है और इसको पूरा मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर गरम तेल में ही डाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये गरम तेल में डालने से बैटर कैसे फैल जाता है। इसीलिए एक मालपुआ फ्राई करने का बाद तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम करके फिर दूसरा मालपुआ फ्राई करना है। एक पीस मालपुआ फ्राई होने का बाद तुरंत हल्का गरम चाशनी में डिप करना है और 4 से 5 मिनट बाद चाशनी से निकलना है। ये मालपुआ खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। बस रेडी हो गया जन्माष्टमी स्पेशल छेना मालपुआ या पनीर मालपुआ। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।